आखिर किस हाल में और कहां है अनुपम खेर की पहली पत्नी। कई लोगों को ये बात सुनकर झटका लगेगा, क्योंकि अब तक लोगों को यही लगता था कि सिर्फ किरण खेर की ही अनुपम खेर के साथ ये दूसरी शादी थी। लेकिन किरण खेर के साथ साथ ये अनुपम खेर की भी दूसरी शादी थी। पहली शादी मधुमति कपूर से हुई थी और किरण खेर उनकी दूसरी पत्नी है। मधुमति कपूर वो है जिन्हें आप कई बार टेलीविजन और फिल्मों में माँ और दादी के रोल में देख चुके हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मधुमति और अनुपम खेर बैचमेट थे। यहाँ से पास होने के महज एक साल बाद दोनों ने साल 1979 में शादी कर ली थी। खेर और किरण खेर की मुलाकात थिएटर्स के दिनों में हुई थी। तब दोनों एक साथ थिएटर किया करते थे। शादीशुदा अनुपम खेर को एहसास हुआ कि वो मधुमति के साथ जिंदगी नहीं बिता पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ दिक्कत ये थी कि जब अनुपम खेर और किरण खेर की मुलाकात हुई थी, तब किरण की बिजनेसमैन गौतम बेरी के साथ शादी हो चुकी थी और उनका एक बेटा सिकंदर भी था। अनुपम खेर ने शादी के कुछ महीनों बाद ही मधुमति से तलाक ले लिया। इसके बाद अनुपम खेर और किरण खेर एक साथ फिल्मों में काम ढूंढने जाया करते थे। उसके बाद प्राइवेट सेरेमनी में दोनों ने इसी साल शादी रचा ली। तब से अब तक दोनों का रिश्ता मजबूती के साथ चला रहा है।